देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर सरकारी खजाने में जमकर सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला कानपुर देहात से सामने आया, जहां करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। क्योंकि कानपुर देहात में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा, बल्कि ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर सरकारी खजाने की जमकर बंदरबांट कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों के तहत हो रहे शौचालय निर्माण की धनराशि की बंदरबांट हो रही है। इसका खुलासा ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसीलदार की जांच में हुआ। तेल भी नहीं मिलता, न राशन मिलता, न कॉलोनी, न शौचालय कुछ में। क्यों नहीं मिला? आप कैसे इस तरह से आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? इतने इतने पानी भर जाता गांठी से, ऐसे पार करके लेटरिन जाते रहे पार। शौचालय भी नहीं मिला आपको? ना कुछ नहीं। आपको क्यों नहीं दे रहा ये प्रधान? हाँ, ये जात नीच है। छोटी जात को लेकर तभी पक्षपात कर रहे हैं। धन लौलत पैसा है उन्हें, तब का कालू नहीं गरीब इनका नहीं था। क्या होगा कि तुम 50,000 रुपए लो दो, तुम कालू ने देंगे फिर अपने पैसा दे उन्हें, फिर वो कालू ने नहीं सत्तर वाले कालू ने दे, फिर तुम्हारे रुपये आ गए तो हमारे बैंक से हमारे निकाल ले। जी आप इसी में सर, मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा सब लोग इसी में जाते हैं। क्या है ये शौचालय सर? आपको सरकारी शौचालय सर, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। जब हमको कोई चीज की सुविधा मिली, मेरा गिरा पड़ा है, मैं गया लेकिन कोई कार्रवाई। कैसे हुआ घोटाले का खुलासा? ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने दोनों ग्राम पंचायतों की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि सरकार की तरफ से भेजी गई धनराशि विकास कार्य में नहीं लगाई गई। प्रधान जोत और ग्राम प्रधान सुजा बारपुर के नाम पर बैंक खाते में जमा धनराशि का विवरण पत्र प्राप्त किया गया। विवरण पत्र से यह तथ्य सामने आया कि ग्राम जोत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की धनराशि कुल 50,48,400 रुपए। दोनों ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत अधिकारी ने संयुक्त हस्ताक्षर करके चेक द्वारा नकद निकाल लिए। शौचालय के लिए प्राप्त धनराशि में 21 मई से 8 अगस्त 2018 के बीच कैश निकाला गया। दोनों ग्राम पंचायतों में भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि गांव में शौचालय बहुत कम बने हैं, जबकि धनराशि नियम के मुताबिक दो गोल गड्ढे करने पर 6,000 रुपए भेजी जाती है। शौचालय निर्माण पूरा होने पर 12,000 रुपए संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं। इस तरह शौचालय निर्माण के नाम पर सरकारी खजाने में जमकर घोटाला किया गया। फिलहाल तहसीलदार राजीव उपाध्याय ने रिपोर्ट जिलाधिकारी और विकास खंड अधिकारी को भेज दी है। 80 लाख रुपए लगाया गया ये ग्राम निधि फर्स्ट का, उसमें कोई एस्टीमेट नहीं है, कोई एमडी नहीं, बिना एमडी के कोई भुगतान नहीं हो सकता। और इससे आगे बढ़ के एक बात कह रहा हूं, सुधीर कुमार पांडे प्रयास करके अपने पिता सुंदरलाल पांडे जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से जिला पंचायत की निधि से लगभग 1,60,00,000 रुपया विकास कार्य के लिए लाए। उससे विकास कार्य गांव में सुजावार को जोड़ में जाए, किंतु वही काम दोबारा ग्राम पंचायत से दिखा के, दोबारा ग्राम निधि से दिखा के लगभग 1,60,00,000 की धनराशि अवैध रूप से निकाल ली गई है। वही खंड विकास अधिकारी की माने तो मामले की जानकारी तहसील साहब की जांच के बाद हुई। खंड विकास अधिकारी ज्ञानेन्द्र मिश्रा का कहना है कि जल्द ही सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और उपभोग की राशि की जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी आप लोगों ने मुझे दे रहे हैं और मेरे विभाग द्वारा इसको जानकारी नहीं ली गई, यदि आपको जाँच नहीं की गई, जैसे ये जाँच मेरे समक्ष आती है मैं अपने सर से कार्य देखूंगा। लेकिन जैसा बता रहे हैं अगर वास्तव में दो लोगों को पैसा रिलीज किया गया है तो यह अनुमितता है, और अगर ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो संबंधित क्रिया पूरी करवाई गई। अगर तहसीलदार रसूलाबाद की जांच आख्या मेरे पास नहीं आई है, अगर इस संबंध में जांच सिद्ध होती तो फिर जितना पैसा निकला है वो पूरा का पूरा रिकवर होगा। इसके दो हस्ताक्षर हैं, एक ग्राम प्रधान है और एक ग्राम सचिव, इन दोनों से पैसा रिकवर होगा और इनके खिलाफ जो विधि कार्रवाई होगी वो भी साबित की जाएगी। लेकिन तहसीलदार
की जांच ने जिम्मेदारों की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल यही उठता है कि सरकारी खजाने की लूट होती रही, लेकिन किसी की निगाहें इस पर और क्यों नहीं गई। कुर्देहात की रसूलाबाद इलाके में जो और सुजावरपुर दो ग्राम पंचायत ऐसी है जहाँ पर 1,32,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है। ये घोटाला प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा मिलकर किया गया। खातों से जब स्टेटमेंट निकाला, तहसीलदार ने जांच की, तब इसका खुलासा हुआ, जिसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम साहब को और मुख्य विकास अधिकारी को भेजी गई है। शिकायत आने के बाद अब जिले के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखना होगा कि इन पर कार्रवाई कब होती है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता, प्राइम न्यूज। चलिए यहाँ पर एक